कल मेरा भाई नितिन फुके ये मेरे ये साकुली के घर से खाना खाके अपने रहते स्थान पे पैदल जा रहे थे, तब उनको पीछे से ये जो पुल है वहां पे पीछे से एक स्कॉर्पियो आई, स्कॉर्पियो में से रिकी पटोले और कुछ उसके साथी वहां से उतरे, उसको मारा और उसको बंदूक के नोक पे उसको गाड़ी में बिठा ला, अपने स्कॉर्पियो में बिठा ला और एक वहां उसको आगे लेके गए, वहां पे उसका एक बैग में पैसे रख के उसको धमकाया गया कि तू ये कबूल कर कि ये पैसे तेरे और तू परिणय फुके के लिए बांट रहा है। और दूसरा उसके बाद थोड़ी देर बाद उनने नाना पटोले जी को भी वहां बुलाया, नाना पटोले जी भी और अपने 5-10 समर्थकों के साथ वहां आए, उनके पास भी हथियार थे, बंदूकें थी और उनने भी उसको फिर बंदूक की इस पे ये बोलने पे बाध्य किया कि ये पैसे परिणय फुके के और ये परिणय फुके के माध्यम से वो बांट रहे। उसके बाद वो उसको किडनैप करके अपने ऑफिस में लेके गए, अपने ऑफिस में फिर 30-40 लोग बुलाए, वहां पे उसको बहुत फिर से मारे, उसमें प्रेशराइज किए कि कबूल करने के लिए। फिर उसके बाद पुलिस वहां पे आई, पुलिस ने उसको वहां से छुड़ा के लेके गए, उसका उपचार किया हॉस्पिटल में लेके जाके, उसको बाद में पुलिस स्टेशन में लेके गया। उसकी उसके बयान पे, उसके कंप्लेंट पे नाना पटोले और उनके भतीजे रिकी पटोले और 30 और अज्ञात लोगों के ऊपर किडनैपिंग के केसेस दायर किया पुलिस ने। और ये देखते हुए कि अभी ये जो जितना भी षड्यंत्र जो इनने रचा हुआ था ये इनके ऊपर ही वापस उलट गया है, इसीलिए इनने फिर से एक नई साजिश रची। इनने अपने अपने कंप्लेंट में ये लिखा कि ये पैसे परिणय फुके के माध्यम से बांट रहे थे और दूसरा अपने भतीजे के ऊपर खुद ही उसका सर फोड़ के ये दावा किया है कि ये परिणय फुके ने करा है। मैं ये 11 बजे से 12 बजे तक यहां पे ही मेरे ये ऑफिस में ही हमारे भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के सब जो नेतागण हैं इनके साथ चर्चा करके इलेक्शन की स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहे थे और वही बीच में 11 से 12 के बीच में की ये घटना है।